मार्कशीट अंदर और क्रमशः ही जमा करिएगा सब कॉपियाँ। आप सभी लोग दे दीजिए अपनी अपनी कॉपियाँ। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। इसके बाद तो वैकेंसीज आएंगी नहीं। पेपर लीक हो चुका है, इस वजह से पेपर आउट हो गया बता रहे हैं। पूरा पेपर कैंसिल हो गया है अभी का भी और दूसरी पाली का। क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? न जाने कितने अरमानों के दरमियान देने आए थे ये इम्तिहान, अपने सपनों की परीक्षा देने ये सब बड़ी दूर दूर से आए थे। किसी ने होटल में रात गुजारी, किसी ने सड़क को बनाया था अपना आशियाना। बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने बस स्टैंड पर बिताया था वक्त इतवार की सुबह के इंतजार में। दिल्ली से आई हूँ। हम लोग इतने दिक्कतों से यहाँ आए हुए दूर से एग्जाम देने। कानपुर की रहने वाली हूँ और ट्रैवल करके यहाँ पर आई हूँ, तो बहुत इनकन्वीनियंस हुआ कि जब पता चला कि पेपर ले लिया गया। कहने को तो ये यूपी टेट की परीक्षा थी, लेकिन हकीकत ये है कि बेरोजगारी के आलम में चुनाव से ठीक पहले ये सैकड़ों सपनों की परीक्षा थी, लाखों अरमानों की परीक्षा थी, लेकिन सब पर पानी फिर गया जब पता चला कि यूपी टेट का पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। टाइम निकाल के बड़ी मेहनत करते हैं कि हो जाए, पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है। सर लास्ट 4 to 5 months से तैयारी कर रहे थे। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। शिक्षा विभाग, सर्वेलांस और सिस्टम, संगठित गिरोह के सामने सब बेदम हो गए। 20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की मेहनत सहम कर रह गई जब शिक्षक बनाने वाली सूबे की सबसे बड़ी परीक्षा में सेंध मारी लग गई। व्हाट्सएप पर इधर से उधर दौड़ने लगा पर्चा। एक महत्वपूर्ण परीक्षा नहीं संभाल पाया महकमा। चुनाव से पहले विपक्ष को भी बैठे बिठाए बड़ा मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इसी तरह के खिलवाड़ कर रही है नौजवानों के भविष्य के साथ, और ये पहली बार पेपर लीक आउट नहीं हुआ है, पहली बार परीक्षा रद्द नहीं हो रही है, ये कई बार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, उनको रोजगार नहीं देना चाहती। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। ये ऐसा होता है, 20 लाख कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं और उसमें लीकेज हो रहा है, तो ये दिखाता है कि शिथिलता यूपी गवर्नमेंट की। और अब ये कह देना बाद में कि हम NSA लगा देंगे, ये लगा देंगे, उससे वो 20 लाख जो विद्यार्थी एग्जाम देने आए थे नौकरी के आस में, तो उनकी उसमें पानी फेर दिया और उनको बहुत बड़ा आघात हुआ। 28 नवंबर वाली इस परीक्षा का परिणाम अगले महीने तक आ जाता, ऐसे में नई शिक्षक भर्ती से लाखों युवाओं का भविष्य सवर जाता। अब एक महीने बाद दोबारा परीक्षा होगी, फिर परिणाम आएगा, तब चुनावी आचार संहिता के साए में सिमट कर रह जाएगी सरकार। हालांकि यूपी टेट के हालात पर सख्त हुई है योगी सरकार। NSA से लेकर बुलडोजर तक कार्रवाई में कोई कमी नहीं होगी। 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, एक महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी, ये सुविधा दो। लेकिन जिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा। बहरहाल बीते 2 दशक में हर परीक्षा में ऐसा ही दर्द मिला है। इधर UPSI की परीक्षा में तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं, यानी परीक्षाओं का पेपर लीक होना आम बात हो गई है। इस सब के बीच सवाल ये है कि आखिर कब तक चलेगा युवाओं का भविष्य तबाह करने का खेल, बड़े जिम्मेदारों को कब होगी जेल।